विधानसभा के अलावा विधान परिषद में भी विपक्ष ने हंगामा किया। नल जल योजना की जांच टीम के साथ मंत्री रामप्रीत पासवान के बेटे को देखे जाने पर विपक्ष ने सवाल पूछा। मंत्री रामप्रीत पासवान ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और इसे साजिश का हिस्सा बताया। लगा हुआ जब मैं पूर्णिया जांच में जा, यही मैं बोल रहा था, सुन लीजिए। चार बेटा है मेरा, चारों इम्प्लाई है, अपनी अपनी जीविका में लगा हुआ है। जब मैं पूर्णिया जांच में जा रहा था अपने पदाधिकारी और पीएस के साथ, तो जलालगढ़ में मेरे गाड़ी को ठोकर मार दिया एक ट्रक ने, मेरा ड्राइवर और गार्ड सब घायल हो गया। तो मैं घर से एक अपनी गाड़ी को बुला करके अपने बेटों को लाया, वो गाड़ी चलाना जानता है, आया और उसके साथ जो है सो हम लोग आए यहाँ उस एस्कॉर्ट पार्टी को लेकर। जाँच दल में गए, जाँच दल में मेरा बेटा कहीं नहीं था, वो तो गाड़ी चला रहा था। देखिए, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि एक मंत्री है मुकेश सहनी, उनके बदले उनका भाई जो है वो एक कार्यक्रम में उद्घाटन करने चले गए। उसके बाद भी ये सरकार ने कोई अपने आप में सुधार नहीं लाया। अब नया चीज हुआ कि पीएचडी मंत्री के बेटा ने सरकारी अधिकारियों के साथ जाकर कार्यक्रमों का निरीक्षण करने लगा। मंत्री के बेटा, माननीय मंत्री ने कहा कि नहीं, वो हमारे साथ, हमारा बेटा गाड़ी में धक्का लग गया था, गाड़ी चला रहा था। अगर माननीय मंत्री का कोई बेटा भतीजा साथे जाता है, या कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी के परिवार के सारे लोग वोट भी मांगने जाते हैं, क्षेत्र को भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई योजना का उद्घाटन करता है तो